फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे आप ही के कुछ सवालों के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो स्पर्म काउंट को लेकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो यंग एज ग्रुप है उसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कुछ पेशेंट तो शादी के पहले आते हैं, कुछ पेशेंट शादी के बाद में आते हैं, और उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चंस होता है कि क्या हम डेली मास्टरबेशन कर सकते हैं, उससे तो हमारा स्पर्म काउंट कम तो नहीं होगा या स्पर्म की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। उसका जवाब है नहीं, आप डेली मास्टरबेशन कर सकते हैं, उससे आपके स्पर्म काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेली हमारी टेस्टिस से मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम हमारे पार्टनर के साथ में डेली रिलेशनशिप कर सकते हैं, डेली स्पर्म का रिलीज कर सकते हैं। यस, आप डेली स्पर्म का रिलीज कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में डेली रिलेशन बना सकते हैं, उससे भी किसी तरह का स्पर्म काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि हम मिल्क ले सकते कि नहीं ले सकते, मिल्क को रेगुलर लेने से क्या हमारे स्पर्म काउंट में कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, आप रेगुलरली मिल्क ले सकते हैं, लेकिन आपको चीज और फुल फैट मिल्क को अवॉइड करना पड़ेगा या उसकी क्वांटिटी को लिमिट करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट के सवाल होते हैं कि हम घर पर कैसे जान सकते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट ठीक है। उसके लिए आपको हम बताते हैं, उसका एक सिंपल एग्जामिनेशन होते हैं, सिंपल टेस्ट होते हैं, जो को आप रेगुलरली घर पे कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि आपका स्पर्म काउंट और क्वालिटी नॉर्मल है। उसमें सबसे पहले है आप अपना टेस्टिस का सेल्फ एग्जामिनेशन। आपने अपने टेस्टिस को रेगुलरली साल में एक से दो बार अच्छी तरह से चेक करें, अपने हाथों से चेक करें, क्योंकि टेस्टिस का साइज 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है और ये फर्म होती हैं। अगर ये स्मूथ हैं या छोटी हैं या फिर साइज में बढ़ रही हैं, तो उससे स्पर्म के काउंट में और क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। इससे अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। सेकंड होता है कि आपका जो सीमन बाहर आता है अगर वो थिक है, व्हाइटिश ग्रे कलर का है, तो इसका मतलब आपका स्पर्म का काउंट नॉर्मल है, ये सीमन नॉर्मल है। अगर आपका ये सीमन थिन है, वाटरी है, तो इसमें आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आज के टाइम में कुछ किट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी किट होता है, अगर उस किट को हम यूज करते हैं और हम सीमन को उसके ऊपर डालते हैं, तो देख सकते हैं कि आपका स्पर्म का काउंट नॉर्मल है या नहीं। हमारे कुछ पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा जूस पिए ताकि हमारे ये स्पर्म की क्वालिटी और काउंट्स नॉर्मल रहे। तो उसके लिए आपको ऐसा फ्रूट जूस लेना पड़ेगा जिससे कि में एंटीऑक्सीडेंट हो, फोलेट हो, जिंक हो। इसके लिए सबसे बेस्ट है पोमीग्रेनेट जूस, मतलब अनार का जूस। कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग जो अगर हम लेमन का रेगुलरली सेवन करें, नींबू का रेगुलरली सेवन करें, तो क्या क्या हमारे स्पर्म पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अगर आप रेगुलरली लेमन का या नींबू का सेवन करते हैं तो उससे आपके स्पर्म डेड नहीं होते हैं, स्पर्म नॉर्मल ही रहते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स का सवाल होता है कि हम क्या बोल्ड एग यूज कर सकते हैं, रेगुलरली डेली यूज कर सकते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स, क्योंकि वो लोग अपने जिम में जाते हैं, अपनी मसल्स का ध्यान रखते हैं। हाँ, आप 1 से 2 बोल्ड एग ले सकते हैं, क्योंकि बोल्ड एग के अंदर आपके विटामिन ई और प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी होती है, जो स्पर्म के काउंट और प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ कॉमन सवाल थे जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं जब वो हमारे पास अपने किसी स्पर्म की प्रॉब्लम या अपनी इनफर्टिलिटी की चिंता की वजह से हमारे पास आते हैं। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।